हॉबी की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है बच्चों। अपन अभी पढ़ रहे हैं अफवाह। अफवाह में अपन ने प्रायद्वीप नदियां, अफवाह क्या होता है, और हिमालय की नदियां, और अपन ने प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी, गंगा नदी। तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां कैसी होती है, बहुत सी जो नदियां में आकर कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। इसमें यमुना, घाघरा, गड़क तथा कोशी आदि नदियां भी हैं। तो ये जो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी छोटी जो नदियां हैं वो कहाँ आकर मिलती है, गंगा नदी में। प्रायद्वीप कैसी भूमि है, उच्च भूमि में आने वाली मुख्य सहायक नदियां, जो प्रायद्वीप की उच्च भूमि पर जो आने वाली होती है वो सहायक नदियां जो होती है वह होती है चंबल, बेतवा और सोन। ये तीन नदियां हैं जो प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां होती हैं। और ये क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा, जो एक सुंदरवन जो डेल्टा है वह कहां पर इसका निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि वाला डेल्टा होता है। और ये कहां पर है, ये अंबाला के सुंदरवन मैदान, ये अंबाला के सुंदरवन मैदान तक की इसकी लंबाई कितनी है, 1800 किलोमीटर है। जो सुंदरवन डेल्टा है वो कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और तेजी से इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से सिंधु और सतलज के स्रोत में कैसी है, काफी नजदीकी इसकी क्या है, सूत्र है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत की एवं बांग्लादेश की जमुना कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में सोंगापा पे, इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट कैसी होती है, निस्पेक्ष की मात्रा अधिक होती है। नर्मदा नदी एवं नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां कैसी हैं, बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ मतलब बहती है और जॉर नलमुख पर इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो दो नदियां कैसी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, तुंगभद्रा, ये दो कैसी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। नर्मदा का उद्गम स्थान कहां पर है, नर्मदा का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकला हुआ है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में थोड़ा सी श्रृंखलाओं में है, क्या है, तापी का उद्गम हुआ है। जो तापी नदी है उसका उद्गम कहाँ पर हुआ है, बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों पर क्या होती है, ढालों से निकलती है और कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ से उद्गम हुआ, इसका उद्गम हुआ है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। महानदी ओडिशा से बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर है। और इसका क्या बनाती है, यह बार इसमें द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ओडिशा में है। तो ये महानदी के बारे में हो गया, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 860 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र के पश्चिम से ये महाकालेश्वर के निकट के सोचों से निकलकर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार कावेरी पश्चिम घाट हो गया, कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो शिव सुंदर के नाम से जाना जाता है। जो कावेरी नदी पर जो बना हुआ है जलप्रपात बना हुआ है वह दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये कहां पर है, शिव सुंदरम नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी झील है। और ये झील कैसी है, मीठे पानी की झील है। जो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है वह भारत की सबसे बड़ी झील है। और इसका पानी कैसा है, इसका पानी मीठा है और ये प्राकृतिक झील है।
इसी प्रकार बड़े आकार वाले जीवों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि वृत्त तथा आयरन सागर। देश की सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? ये छोटे छोटे प्रश्नों के लिए ये मतलब अगर पूछा जाए कि देश में सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ, तो वह 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ हुआ। इसे GAP भी कहते हैं, एक्शन प्लान। फिर है भारत में दूसरा जल प्रपात, आपको बताया था जल प्रपात कावेरी नदी पर बनता है, उसका नाम क्या है? शिव सुंदरम के नाम से इसे क्या करते हैं, जानते हैं। और इसके द्वारा क्या क्या आपको सुविधाएं हैं? जल प्रपात से हमें विद्युत क्या उत्पादित किया जाता है? विद्युत उत्पादित की जाती है, जो मैसूर बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। फिर है पृथ्वी के धरातल पर लगभग, जो पृथ्वी का धरातल है लगभग 71% कैसा भाग है? 71% भाग से कैसा है? जल से ढका है, लेकिन 97% कैसा है? जल लवणीय है, मतलब जो जल है वह लवणीय मतलब नमक खारा है। केवल 3% कैसा जल है अपने पास? पीने योग्य है, जो वह स्वच्छ जल रूप में उसको उपलब्ध किया जाता है। कितनी चौथाई है? 3/4 है, जो हमें हिमानी के रूप में प्राप्त होता है, मतलब हिमानी के रूप में है। आपने आपको बताया था जो हिमालय से हमको जो नदियां निकली हुई है। फिर है बड़े आकार वाली झील को क्या कहा जाता है? बड़े आकार वाले झील को टेप्सियन या मृत अरल सागर कहते हैं। फिर है भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं। अब पानी अपनी दिशा खुद बनाता है बेटा, बाकी सारी झीलें कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं, और कुछ केवल वर्षा ऋतु में पानी इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु से जो होता है उसमें पानी इसमें आता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, यहाँ पर कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिसका निर्माण हिमानी और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप भी क्या होता है, होता है। जबकि कुछ झीलों का निर्माण कैसे होता है? वायु, नदी एवं मानवीय क्रियाओं के कारण भी होता है। तो आपकी ये क्या हो गई? द्रोणी और झीले, इनका निर्माण। फिर नदियों का अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है? और संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों को क्या माना है? अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल कैसा है अपने लिए? कैसा है जल? नदियों का जो जल है वह अपने लिए मूल प्राकृतिक संसाधन है। और संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों को अत्यधिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए क्या है, अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियां सबसे प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। और बड़े शहरों में परिवर्तन भी हो चुका है। अपने राज्य के उन शासनों की एक सूची तैयार क्या की जाती है? सूची तैयार कीजिए, आपको एक सूची तैयार करनी है जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश में केवल यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या कैसी है, जो मतलब जो भारत देश है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या का जीवन काय पर निर्भर है? कृषि पर। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर जल मतलब जो नदियां हैं उनके कारण ही सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण से नदियों का महत्व क्या हुआ है, बहुत अधिक क्या हुआ है, बढ़ गया है। नदी प्रदूषण क्या है? नदी जो नदी है, नदी प्रदूषण नदी जल की घरेलू औद्योगिक कृषि में बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी गुणवत्ता क्या करता है, प्रभावित हुई है। इससे परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि नदियों में अधिकांश जल, नदियों का अधिकांश जल है उसकी निकासी तथा इसका आयतन क्या हो गया है, घटता जाता है। और दूसरी ओर उद्योगों में उद्योगों के कारण नदियों में क्या हुआ है, प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी जो होते हैं वो नदी में मिलते हैं।
टहनियों में अधिकांश जल की निकासी कैसी होती है? इनका आयतन कैसा हो गया है? इनका आयतन घटता जाता है। और दूसरी ओर जो उद्योग का जो उद्योग है अपने उद्योगों से मतलब उनका प्रदूषण जो है, मान लीजिए आप देखिएगा कि नदियों के किनारे जो डेयरी वगैरह होती है और जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं तो उनका जो धुआं है और जो डेयरियों से जो गंदा पानी जो वहां पर नदियों अधिकतर नदियों में क्या होता है मिलता है, उससे नदियों में प्रदूषण और अप्रतिष्ठित कचरे से नदी में जाने के मिलने से केवल जल के वहां मतलब जो नदी का जल है गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वच्छीकरण की क्षमता को भी क्या करता है, ये कम करता है या प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि समुचित जल प्रवाह है, गंगा का जल लगभग 20% क्षेत्र में कैसा है बड़े शहरों की गंदगी को कम करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता और अनेक नदियों में क्या होता है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने में मतलब जो इनको स्वच्छ बनाने का कार्य अनेक कार्य नहीं मतलब उसको अपन नहीं कर पाते, इसे क्या करेंगे इसके कारण आपको जल प्रदूषण में जो है औद्योगिक कारण नदियों में प्रदूषण स्तर कैसा होता जाता है बढ़ता जाता है और नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छता का कार्य अपन योजना मतलब स्वच्छ नदियों को स्वच्छ करने के लिए क्या की गया है योजनाओं को लागू किया गया है कि अपने ऐसे कार्य की योजना बनाना नदियों में प्रदूषण जल को स्वस्थ कैसे किया जाए, स्वच्छ मानव जल का मतलब उसमें जो मानव जीवन के लिए विषय पर विचार कर अपन इसको कर सकते हैं कि अपन को जो नदियाँ हैं प्रदूषित ना हो उनके लिए अपन क्या करें एक योजना बनाए उस पर कार्य करें। धन्यवाद बच्चों।